ने ओनेक्स क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया और यूक्रेन की सेना के एक जंगी जहाज को तबाह करने का दावा भी किया। यह हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनेक्स क्रूज मिसाइल दागती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें कोस्टल मिसाइल सिस्टम से दागे जाने के बाद वो मिसाइल आग उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। रूस की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। पुल से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता दिखा, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। और यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच कीव से निकल चुके विदेशी राजनयिकों का वापस लौटना भी शुरू हो गया है। राजधानी कीव में अमेरिकन दूतावास में कुछ अधिकारी वापस लौटे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि कीव के दूतावास में अधिकारियों का लौटना रूस की असफलता को दिखाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धीरे धीरे अब तमाम राजनयिक जो बाहर गए थे युद्ध के दौरान, अब उनकी वापसी होना शुरू हो गई है। लेकिन इसको एक बड़ी असफलता के रूप में रूस की देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार अब हालात सामान्य हो रहे हैं। और इससे पहले ही रूस के यूक्रेन के गृहमंत्री द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि कीव को अब पूरी तरीके से मुक्त कर लिया है रूस के सैनिकों द्वारा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब रूस के सैनिकों ने कीव की घेराबंदी कर ली थी। और इस वक्त कीव से जसप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। जसप्रीत, क्या हालात इस वक्त कीव पर आप देख पा रही हैं, क्योंकि आज 9 मई है और इसी का इंतजार पूरी दुनिया आज कर रही थी, आज क्या रूस कर सकता है, क्या हालचाल वहां कीव में? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मौजूद हूं और यहां पे बिल्कुल सन्नाटा है, अजीब सी खामोशी है। कल के मुकाबले आज यहां पर माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं इसका इंतजार सबको है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज ये बता दूं कि कीव पर बड़े मिसाइल हमले की आशंका है। इंटेलिजेंस इनपुट्स यहां पर मिले हैं वेस्टर्न और कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि कल कई नेताओं ने मुलाकात तो की थी, लेकिन यहां पर आप देखिए ये फ्लैग लगाए गए हैं और इसमें लिखा है कि पुतिन ने इन लोगों को मारा है। ये हालांकि यूक्रेनी भाषा में लिखा है और इसमें ये लिखा है कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसने पुतिन को मारा है तो यहाँ पर आप ये फ्लैग पोस्ट करिए। और ये यूक्रेनियंस किल्ड बाय पुतिन, ये आप देखिए ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और ये तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर के फ्लैग्स लगाए हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े आगे जाते हैं, यहाँ पर लिखा है फॉरनर्स किल्ड बाय पुतिन, ये यहाँ के लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पर किन किन लोगों को मारा गया है, उन्होंने ये फ्लैग यहाँ पर लगाए हैं। उधर आप देखिए कि जगह जगह यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि बड़े मिसाइल हमले की यहाँ पर आशंका है। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है और यहीं पर पुतिन भी है, अभी तक कीव का किला बचा हुआ है, लेकिन जो इनपुट्स हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में हमने सुबह से कई बार सायरन की आवाज सुनी है। सायरन की आवाज का मतलब होता है कि आप बंकर में छिप जाइए और सड़कों पर आपको कोई नजर नहीं आएगा। कर्म आप दिखाइए, सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन है और ये टैंकर्स को रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए कि ये यहाँ का सबसे मेन इलाका है, व्यस्त चौक है। यहाँ पर जेलेंस्की के कई मंत्रियों के मंत्रालय मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। जगह जगह पर लोगों को रोका जा रहा है और खास तौर पर आज के लिए एडवाइजरी है कि आप घरों में रहिए। 9 मई है आज, आज का दिन बहुत अहम हो जाता है कि पुतिन क्या करने वाले हैं। ऐसे में कल हमने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा वीआईपी मूवमेंट था, आज भी सिक्योरिटी काफी व्यस्त कर दी गई है, क्योंकि अगर हम देखें कीव में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कई सिक्योरिटी जोन से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जेलेंस्की भी अपना ठिकाना बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि इसमें जेलेंस्की पुतिन के निशाने पर हैं, लगातार वो उनको टारगेट कर रहे हैं। जेलेंस्की जो कि राजधानी कीव में है और उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि पुतिन क्या भाषण में ऐलान करेंगे, वो क्या बोलेंगे, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर हमले हो सकते हैं। हम जगह जगह देख रहे हैं कि रूसी फौज का तांडव जारी है। 10 दिन पहले कीव में एक कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई लोगों की जाने गई थी, वहां पर मलबा था और अभी भी यहाँ पर बर्बादी के निशान मौजूद है। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि आज क्या होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल से लेकर के अब तक, क्योंकि वैसे तो कीव में हम लोगों को 2 दिन हो गए हैं, हमेशा यहाँ पर सायरन की आवाज आती है, लेकिन अभी सुबह से आप लोग
आपको मैं बताऊं कि कई बार हमने सायरन की आवाज सुनी है और हमें भी कवरेज करते हुए डर लग रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार अलर्ट है कि आप बंकरों में चले जाइए। जब भी सायरन की आवाज होती है, लगातार जो सेना यहां पर मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, वो लोगों से कह रही है कि वो घरों पर रहिए। आप देखिए कि यहां पर आपको कोई नजर नहीं आएगा। कीव में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी, लोग वापस आने लगे थे, एक रेस्टोरेंट की शुरुआत भी यहां पर की गई है, लेकिन आज के दिन लोग वापस चले गए हैं अपनों के पास। और यहां पर कई सारी बिल्डिंग्स भी मौजूद है। अगर हम आगे आते हैं तो यहां पर ये दफ्तर है, आगे बिल्डिंग्स मौजूद है, लेकिन वहां पर कोई रहता ही नहीं है। यहां पर सड़कों में आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनका सब कुछ उजड़ गया, उनकी बसी बसाई जिंदगी, उनका व्यापार सब कुछ तबाह हो गया, उनको जीरो से स्टार्ट करना है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो फ्लैग्स है, इस बात का गवाह है कि इस वक्त हालात क्या है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो आप यहाँ पर एक फ्लैग लगाइए। इसके अलावा आप देखिए कि वहां पर भी ये रूस के टैंकर्स को रोकने के लिए यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है ताकि टैंकर आगे ना आए। अगर हम आगे जाते हैं तो आगे कई जगह ऐसी है शिवानी, मैं आपको बताऊं कि माइंस वहां पर लगी हुई हैं, यानी कि बहुत एहतियात के साथ हमें भी रिपोर्टिंग करनी होगी। और यहां पर डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं, खासकर आज के दिन लोगों में काफी ज्यादा खौफ है कि आगे क्या होने वाला है। शिवानी जी, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार यूक्रेन से, जसप्रीत हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रही है। जसप्रीत, आपके पीछे भी हम कुछ गाड़ियां तो चलते हुए देख रहे हैं। फिलहाल लोगों के मन में किस तरीके की भावनाएं इस वक्त उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जो स्थितियां वहां पर बनी हुई है, डर का माहौल तो जरूर होगा, लेकिन साथ साथ हम देख रहे थे कि जो जिंदगियां हैं अब वो सामान्य अपनी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। कई राजनयिक भी वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है, राजनयिक वहीं पर है और लोग क्या कह रहे हैं आज के दिन को लेकर खासतौर पर? देखिए, गाड़ियां यहां पर चल रही हैं शिवानी। कल यहां पर कनाडा के पीएम पहुंचे थे, इसके अलावा जर्मनी में संसद के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे जर्मनी के, और उन्होंने मुलाकात की है जेलेंस्की से। यह दिखाने की कोशिश थी रूस को कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, कि भले ही आज 9 मई है, 9 मई से महज जिसमें कुछ घंटों का वक्त बचा था वो यहां पर थे, यूक्रेन में मौजूद थे, कि उनको डर नहीं है। लेकिन देखिए, तैयारी यहां पर जेलेंस्की की तरफ से पूरी की गई है। भले ही ये रूस को दिखाने की कोशिश है, लेकिन डर तो है, क्योंकि कई एयर इनपुट्स भी मिले हैं कि यहां पर मिसाइल हमला हो सकता है। ऐसे में लगातार यहां पर अलर्ट पर है कि बड़ी सावधानी के साथ अगर जरूरत ना हो तो। जी जसप्रीत, तो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर। इससे पहले कल की अगर बात करें तो कीव में कई सारे राजनयिक भी, उनकी वापसी हो गई है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एम्बेसी में वापस लौट रहे हैं तमाम राजनयिक, लेकिन हालात वहां पर अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं, क्योंकि आज को लेकर कई तरीके के अलर्ट यूक्रेन की सरकार की ओर से भी जारी किए गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। रूस की सेना पर बड़ा हमला उसकी ओर से किया गया है और रूसी सेना पर तोप से ही अटैक किया गया है। रूस की सेना को भारी नुकसान का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है, बकायदा वीडियो भी इसका सामने आ गया है। और देखिए किस तरीके से लगातार गोलीबारी हो रही है और ये पलटवार यूक्रेन की तरफ से रूस को दिया गया। और आज विक्ट्री डे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले हैं, इसको लेकर पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के ये दावा कर रही है कि रूसी सेना आज यूक्रेन के एक पड़ोसी देश मोल्दोवा पर भी हमला कर उस पर कब्जा करने की फिराक में है।